नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग से पहले पीएम मोदी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, अपर्णा यादव जैसे कई दिग्गज नेताओं ने यूपी की जनता से ज्यादा वोट देने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज वोटिंग का चौथा दौर है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान करें। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर लिखा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज चतुर्थ चरण है। भयमुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए, विकास युक्त और सुरक्षा युक्त अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सभी सम्मानित मतदाता गण अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अतः ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव ने भी कू पर लोगों से वोट करने की अपील करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज वोटिंग का चौथा दौर है। लखनऊ समेत कुल 59 सीटों पर सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे अपना मताधिकार का प्रयोग करें और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनें। आपका एक वोट उत्तर प्रदेश को फिर से देगा डबल इंजन की मजबूत और स्थिर सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कू पर लिखा, आज उत्तर प्रदेश के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। आप सभी सम्मानित मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि लोकतंत्र के महापर्व में अपने बहुमूल्य वोट से फिर एक बार उत्तर प्रदेश में शांति, सद्भाव और विकास के नए आयाम स्थापित करने वाली सरकार का चुनाव करें। बीजेपी के दिग्गज नेता जहां वोट के लिए अपील कर रहे हैं, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में वोट डाला, जिसकी कुछ तस्वीरें कू पर शेयर करते हुए बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने लिखा, आदरणीय बहन मायावती जी ने आज लखनऊ में मतदान किया और सभी से लोकतंत्र के पर्व को मनाते हुए सभी से वोट करने की अपील की। खुद सतीश चंद्र मिश्रा ने भी परिवार के साथ वोट डाला और कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आज लखनऊ में अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर जाकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर मतदान किया। आप भी मतदान कर अपने अधिकार का प्रयोग एवं कर्तव्य का निर्वहन करें। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ अग्रसर है और उसमें जो पहले तीन चरण में वोट पड़े हैं, उसके बाद जो आज का भी वोट पड़ रहा है, आप देख लेंगे शाम तक 5 बजे तक कि बहुजन समाज पार्टी को एक तरफा वोट पड़ेगा और पड़ रहा है। और अब की बार भी 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनना बहुजन समाज पार्टी का निश्चित हो चुका है और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही, ये भी निश्चित। दिग्गज नेताओं के साथ ही लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया और एक गाना सुनाकर लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील भी की। मैं सबसे यही कहूंगी कि सब परिवार आकर बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लें और लखनऊ का कम से कम मुझे लगता है कि रिकॉर्ड सेट करें मतदान के लिए। मैं तो चुनाव आयोग से जुड़ी रही हूं, तो मुझे तो ये पूरा पर्व एक इतना उत्साहजनक लगता है कि हम लोग कई दिनों से वोटिंग को लेकर के एक उत्साह में रहते हैं और आप देखिए पूरा परिवार हमारा आया है साथ में, 3 पीढ़ियां हैं एक साथ वोट डालने। और मैं गा करके तो सिर्फ यही कहूंगी कि अरे जागो देश के मतदाता, अरे जागो यूपी के मतदाता, अरे जागो मोरी बहिनी रे भौजी रे, जागो मोरी सखिया रे सगेली रे जागो यूपी के मतदाता। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के इस चौथे चरण में जिन लोगों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, उनमें लखनऊ पूर्व से मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष टंडन, लखनऊ कैंट से मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजेश पाठक, लखनऊ की बख्शी का तालाब की सीट से सपा के गोमती यादव, मलिहाबाद सीट से भाजपा की जय देवी, सरोजनी नगर से सपा के अभिषेक मिश्रा, लखनऊ मध्य से सपा के रविदास मेहरोत्रा, हरदोई सदर से बीजेपी के नितिन अग्रवाल, सीतापुर की सेवता से सपा के महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू जैसे नेता शामिल हैं।
मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जितनी कामयाबी हासिल हुई थी कब ओवेस इस बार के चुनाव में भी उतनी ही संख्या में हमको कामयाबी हासिल होगी। मैं बता रहा हूं कमोवेश एक सीट दो सीट आगे पीछे हो सकती है, उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त होगी जितनी सीटों पर 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त। 300+ क्यों 300+ 300+। देखिए मैंने अभी कहा, कई मीडिया चैनल से मुझसे पूछा है, मैं यहाँ पे चुनाव अपने लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की वजह से जीतता हूँ, लड़ता हूँ। और जैसे कि आपने पूछा कि सीट कभी जीती नहीं है, मैं आश्वस्त हूँ और पूर्ण विश्वास है कि इस बार हरदोई में आठों की आठों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अखिलेश यादव का बयान है कि पहले और दूसरे चरण में उन्होंने एक शतक लगाया, दूसरे में जो है दूसरा शतक, और आखिर तक आते आते सातवें चरण तक जो है वो सरकार बना लेंगे। ये तो उन्होंने 14 में भी कहा था, 17 में भी कहा था, और 19 में भी कहा था, चलिए 22 में भी कह रहे हैं। ये तो जनता को तय करना है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन मैं पिछले चरणों की अगर बात करूँ और जो मैंने देखा प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व के प्रति जो उत्साह है, हर चरण में भाजपा लीड ले रही है, और आखिरी में आते आते मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 300+ 300 से ज़्यादा सीटें भाजपा जीत के जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा है, तीसरे चरण तक पहुंचते पहुंचते विपक्ष की हार का शतक बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी उसको पार करते हुए दिखाई पड़ रही 2017 के रिकॉर्ड को। और मुझको लगता है जिस पहले जो चुनाव था पिछला 2017 का, उसमें लोग कहते थे बीजेपी का अंडर करंट है, और मुझको लग रहा है इस बार हाई वोल्टेज करंट है, जिसका सबसे बड़ा झटका विपक्ष को, खासतौर से समाजवादी पार्टी को लगने वाला है। और मैं मुझको लगता है कि 10 तारीख को 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो बहुत से जो सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस MIM इनके जो वर्तमान विधायक भी लड़ रहे होंगे तो वर्तमान भूत हो जाएंगे और भूत बनके वो विलाप करेंगे। सर आप यहाँ कह रहे हैं कि वो भूत बनकर विलाप करेंगे, अखिलेश यादव की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम शतक बना चुके हैं, 3 महीने शतक बनाया। मैंने पहले ही कहा कि हार का शतक बना चुके हैं, मुझको लगता है 10 तारीख के बाद हार के बुरे बुरे सपने भी आएंगे लोगों को, और 18 मार्च के बजाय 19 मार्च या 18 मार्च जो भी होली होगी, 10 मार्च को बीजेपी के कार्यकर्ता होली मनाएगा, जीत की होली। प्रदेश में ही, लखनऊ नहीं, पूरे प्रदेश में चुनाव का जो रिकॉर्ड है जीत का बीजेपी का खुद का, वो अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ेगी। सपा बसपा कांग्रेस मिलकर 100 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे।